नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विषय इल्यूमिनेशन में आज जानते हैं स्ट्रीट लाइटिंग की इस तीसरी लर्निंग वीडियो में स्ट्रीट पोल पोजीशन की डिजाइन के बारे में और जानते हैं स्ट्रीट के किनारों पर पोल का कॉन्फिगरेशन किस तरह से अलग अलग कंडीशंस में डिजाइन किया जाता है और जानते हैं स्ट्रीट पे लाइट की कैलकुलेशंस के अलग अलग तरीके क्या हैं और पॉइंट बाय पॉइंट मेथड से जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हमें स्ट्रीट पे इल्यूमिनेशन लेवल की निकालने की होती है वो किस तरह से सहज की जा सकती है। शुरू करते हैं। एक सड़क पर अनेक प्रकार का ट्रैफिक हो सकता है, वो पैदल यात्री, दो पहिया वाहन चालक, चार पहिया, कम गति वाले, अधिक गति वाले, सभी प्रकार के हो सकते हैं। सभी प्रकार के परिवहन करने वाले साधन और व्यक्तियों के लिए सड़क पर रात्रि कालीन ऐसी दृश्य प्रभाव जरूरी है ताकि परिवहन सुरक्षित, तेज गति से और सुविधाजनक हो सके। एक अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था है, बढ़िया डिजाइन है, वो एक परफेक्ट विजुअल गाइडेंस देगी जिसमें सड़क पे उचित प्रकार का प्रदीपन, इल्यूमिनेशन का स्तर होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी, सभी प्रकार की चोंद या ग्लेयर पे रोक होगी। सड़कें जिन पे स्ट्रीट लाइटिंग की मदद से प्रकाश की व्यवस्था करनी होती हैं, उनकी काफी अच्छी चौड़ाई और बहुत अधिक लंबाई होती हैं। प्रकाश स्रोत की स्थिति भी सड़क से काफी दूर होती है, तो प्रकाश स्रोत का जो प्रकाश विकिरणों की तीव्रता का वितरण है, स्रोत की सड़क के सापेक्ष स्थिति है और विन्यास है, ये सभी एक अच्छी प्रकाश व्यवस्था संयोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग सड़क प्रकाशन के लिए डायरेक्ट लाइटिंग व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं और जो लुमिनरीज इस्तेमाल की जाती हैं वो फुल कट ऑफ प्रकार की होती हैं, जो वर्टिकल नदीर से 80 डिग्री कोण बनाती हुई अपनी कुल प्रकाश की 90% प्रकाश मात्रा को नीचे की तरफ उत्सर्जित करती हैं और 80 डिग्री से ऊपर केवल कुल प्रकाश का 10% भाग भी इस तरह से उत्सर्जित होता है कि प्रकाश का कोई भी अंश लैंप से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ ना जावे। सड़क पर परिवहन की गति के अनुसार लैंप पोस्ट के वर्टिकल पोल को सड़क की सीमा से 1-1.5 या 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। जिन सड़कों पर परिवहन की गति अधिक होती है वहाँ ये सेटबैक डिस्टेंस 2 मीटर जितना ज्यादा हो सकता है, नहीं तो सामान्यतः ये सेटबैक 1-1.5 मीटर के बीच में रखा जाता है। पोल को सड़क से पर्याप्त ऊंचाई के साथ रखा जाता है। अक्सर जो पोल पे लैंप की माउंटिंग हाइट है उसका सड़क की चौड़ाई से संबंध होता है। अधिक चौड़ी सड़कों पर पोल को अधिक ऊंचाई पर रखा जाता है। एक वर्टिकल पोल पे हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार्स पे थोड़ी लाइट को ओवरहैंग करता हुआ सड़क में अंदर की तरफ रखा जाता है। लैंप पोस्ट से ये जो ओवरहैंग की लंबाई है जो हॉरिजॉन्टली स्रोत को लैंप से विस्थापित करती है वो लैंप की कुल ऊंचाई की 1/4 के आसपास होती है। इसको अगर हम अधिक मात्रा में लेंगे तो लैंप की जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो सड़क पे दिखाई देना बंद हो सकती है, इसलिए अक्सर ये जो हॉरिजॉन्टल ओवरहैंग लंबाई है लाइट सोर्स की लैंप पोस्ट से वो पोल पोस्ट की ऊंचाई की 1/4 से कुछ कम रखी जाती है। लैंप पोस्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल क्रॉस बार पे लैंप को हॉरिजॉन्टली विन्यास करते हुए हल्की सी टिल्ट दी जाती है ताकि लैंप का अधिकांश प्रकाश नीचे सड़क पे एक तरफ आगे की तरफ सड़क पर गिरे और पीछे की तरफ प्रकाश की मात्रा ना हो और ये प्रकाश विकिरण ऊर्ध्वाधर सड़क पर सभी स्थानों पर एक समान इल्यूमिनेशन का लेवल बनाते हुए एक ऐसी शंकु का निर्माण करते हैं जिसका आधार एक वृत्त है जिसकी छोटी डायामीटर सड़क की चौड़ाई के बराबर और जो बड़ी डायामीटर है वो दो पोल के बीच की दूरी के बराबर होती हैं। हम सड़क के किनारे पे एक तरफ या दोनों तरफ या बीच में कैसे लाइट सोर्स की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो डिपेंड करेगा कि सड़क के पास हमें स्पेस किस तरह से खाली अवेलेबल है, क्या वो स्पेस एक किनारे पर है या सड़क के बीच में हमें मीडियन में अवेलेबल है या फिर वो दोनों तरफ अगर सड़क काफी चौड़ाई रखती है हमें रखना है। तो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन में हम लैंप पोस्ट को सड़क के साथ लगा सकते हैं। अगर सड़क की चौड़ाई कम है तो सिंगल साइड पोल अरेंजमेंट में सड़क के एक किनारों पर पोल को निर्धारित स्पेसिंग के साथ इस प्रकार लगाया जा सकता है। इस तरह का जो सिंगल साइड पोल अरेंजमेंट है वो कम चौड़ाई की सड़कों के लिए बेहतर है। आमतौर पर ऐसी स्थितियों में सड़क की चौड़ाई पोल की हाइट के बराबर हो सकती है और जब हम इस तरह से केवल सड़क की एक तरफ स्रोत लगाते हैं और स्रोत अपनी सारी लाइट पोल की दूसरी तरफ सड़क की तरफ भेजता है तो सड़क के पोल के पास वाले किनारे पे इल्यूमिनेशन का स्तर कुछ अधिक और दूरस्थ किनारों पे कुछ प्रदीपन के स्तर में कमी यूनिफॉर्मिटी में हो सकती है। अन्यथा कम चौड़ाई की सड़कों पे इस तरह का एक तरफ लगा हुआ एक के बाद एक निर्धारित पोल की हाइट से 2-3 गुना स्पेसिंग के साथ अरेंजमेंट किफायती और रीजनेबल परफॉर्मेंस का माना जा सकता है।
अगर किसी सड़क की चौड़ाई मध्यम प्रकृति की है, वो पोल हाइट जो हम इस्तेमाल करते हैं सामान्यतः, उससे 1.5 से 2 गुना के बीच में है, तो दोनों साइड में स्टैगर्ड क्रम से एक के बाद एक जिगजैग तरीके से जो लैंप पोल का अगर अरेंजमेंट करते हैं तो ये अप्रोप्रिएट माना जाएगा। आमने सामने दोनों तरफ लेकिन थोड़ा हटकर अगर लैंप को हम लगाते हैं तो उनके जो प्रकाश का वितरण है सड़क पर वो काफी यूनिफॉर्म विन्यास बना सकता है। और अक्रॉस रोड जो हमारी समरूपता U0 है सड़क के आर पार, वो तो अच्छी होगी, लेकिन सड़क के अनुदेश, ये जो लॉन्गिट्यूडनल यूनिफॉर्मिटी है, प्रकाश की सड़क लंबाई के अनुदेध्रीय जो समरूपता है, वो थोड़ी कमजोर होगी। और लैंप के सामने दूसरे कोने पे क्रम से इस तरह की डार्क पैचेज, कम इल्यूमिनेशन के लेवल सड़क पे दृष्टिगोचर होंगे और हमारी सड़क पे चमकदार और अंधेरे के ब्राइट और डार्क पैचेज थोड़ी असुविधा बनाएंगे। लेकिन अगर गीली अवस्था है, सड़क पे पानी की स्थिति है, तो इस तरह का जो स्टैगर्ड अरेंजमेंट है वो आमने सामने दोनों तरफ के लैंप पोस्ट से ज्यादा बेहतर नतीजे देता है। तो ये एक इकोनॉमिक अरेंजमेंट है मध्यम चौड़ाई की सड़कों के लिए, जिसमें हम दोनों तरफ आमने सामने थोड़ा हटकर स्टैगर्ड जिगजैग तरीके से लैंप पोस्ट को लगाकर सड़क पर प्रकाशन की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर जिस सड़क पे हमें प्रकाश संयोजन करना है उस सड़क की चौड़ाई जो सामान्यतः हम लैंप पोल की हाइट लेते हैं उसकी तुलना में 2 गुना या 2.5 गुना हो, सड़क अच्छी खासी चौड़ी हो, तो ये जो व्यवस्था जिसमें दोनों साइड में बिल्कुल आमने सामने लैंप को विन्यासित करके सड़क पर प्रकाशन की व्यवस्था की जाती है वो सबसे बेहतरीन व्यवस्था हो सकती है। प्रत्येक लैंप अपना जो प्रकाश का शंकुकार आधार बनाता है वो आमने सामने के साथ अतिव्यापन बनाकर पूरी सड़क पर एक काफी समरूपता के साथ प्रकाश संयोजन कर देता है और चौड़ी अधिक आवागमन वाली हैवी ट्रैफिक वाली सभी प्रकार की मुख्य सड़कों, रिंग रोड्स, ग्रांड ट्रक रोड्स या एक्सप्रेस हाईवे पे इस तरह की प्रकाशन व्यवस्था को पसंद किया जाता है। सड़क के ठीक बीच में दोनों तरफ मुंह किए हुए जो लाइट की व्यवस्था है वो एक्सप्रेस हाईवेज के लिए काफी पसंद की जाती है। इन तरह के एक्सप्रेस हाईवे में जाने और आने के रास्ते के बीच में एक स्पष्ट विभाजक वेल डिफाइंड मीडियन होती है और रास्ते में बहुत कम इंटरसेक्शन होते हैं, बाहर से ट्रैफिक के आने और निकलने के रास्ते कम होते हैं, बीच में जंक्शंस, इंटरसेक्शन, क्रॉसिंग्स वगैरह इस तरह के एक्सप्रेस हाईवे में कम होती हैं, वहाँ इस तरह का ट्विन सेंटर अरेंजमेंट, बीच में मीडियन जो मध्य रेखा है वहाँ एक पोल पोस्ट पे दोनों तरफ, वहाँ पे लाइट को दोनों तरफ निकालते हुए लगाया जा सकता है। इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो सड़क पे जो हम ऑपोजिट दोनों तरफ लाइट लगाते हैं उनसे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर सड़क पे नमी हो, पानी हो, बारिश हो, वेट कंडीशंस हो, तो जो दोनों तरफ लाइट लगाई हुई होती हैं वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस सड़क के डिफ्यूजन कैरेक्टरिस्टिक से दे सकती हैं। तो गीली अवस्थाओं में तो दोनों तरफ के जो पोल हैं वो बेहतर व्यवस्था देते हैं, लेकिन अगर सड़क पे बीच में विभाजक है तो एक ही पोल पे दोनों तरफ लाइट की इस तरह से एक्सटेंशन दोनों तरफ निकाल कर करना, ट्विन सेंट्रल व्यवस्था सबसे बेहतरीन व्यवस्था हो सकती है। तेज गति से परिवहन वाली सड़कों पे दो लंबवत सड़कों का इस तरह से ये जो मिलान संधि जंक्शंस बनते हैं यहाँ पर हमें विशेष प्रकाश संयोजन लगाने की बहुत जरूरत है। रोड जंक्शंस पे इस तरह की व्यवस्था बनानी है ताकि वस्तुएं दूर से ही स्पष्ट दिखने लगे और अच्छी प्रकाश संयोजन व्यवस्था से इस तरह के चौराहों पर, जंक्शंस पर हम ट्रैफिक के बाधाओं को, रुकावट को, कंजेशंस को रोक सकते हैं और हमें सापेक्षतः इस तरह के जंक्शंस पे सड़क की तुलना में अलग तरह की लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए। जहां एक सड़क पे जिसपे कम ट्रैफिक है, कम चौड़ाई है, हमने स्टैगर्ड लाइट की व्यवस्था की थी, लेकिन जंक्शन से ठीक पहले यहां आमने सामने बिल्कुल ऑपोजिट लाइट की व्यवस्था करके यहां अतिरिक्त मीडियन पे लाइट लगा के या हाई मास पे बढ़िया इल्यूमिनेशन करके इस चौराहे को ज्यादा प्रकाशित किया जा सकता है। वहीं जो मुख्य सड़क है जिसपे ज्यादा आवागमन है वहां पे भी प्रकाश के जो वितरण है, अगर पूरी सड़क पे येलो सोडियम लैंप लगाए हुए हैं तो चौराहे के पास यहाँ मरकरी के वेपर लैंप से हम रोशनी पैदा कर सकते हैं। तो हमें चौराहों पर मेन रोड और जो सेकेंडरी रोड्स होती हैं उन पे अलग अलग तरह की प्रकाश व्यवस्थाएं करनी है। जहाँ मेन रोड पे ज्यादा प्रकाश है, सेकेंडरी रोड पे चौराहे पे कम प्रकाश की व्यवस्था की गई है और इस हेतु हाई मास्ट लाइटिंग भी जंक्शंस पर प्रिफर की जाती है। अगर सड़क पर अचानक कोई मुड़ाव आ जाता है
तो हमें ऐसे कर्व्स पर मोड पर लाइट की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, और मोड में जो बाहरी कर्वेचर है उसकी बजाय आंतरिक कर्वेचर पे अगर हम लाइट सोर्स को प्लेस करते हैं तो वो सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर माना जाता है। लेकिन अगर अंदर की कर्वेचर वाली स्थितियों पे लाइट का लगाना संभव नहीं हो तो विशेष व्यवस्था करते समय इसे बाहर की तरफ भी लगाया जा सकता है, लेकिन प्रथम डिजाइन कंसिडरेशन में जो इनसाइड कर्व है उस पे लाइट को लगाना चाहिए। एक स्टैंडर्ड लाइटिंग प्रैक्टिस के तौर पे एक सीधी सड़क पे लाइट के दो लैंप पोस्ट के बीच में अच्छी दूरी हो सकती है, लेकिन मोड के दौरान ये दूरियों को हमें कम कर देना चाहिए। और किसी रोड में मोड की कर्वेचर जितनी कम होगी, मोड जितना शार्प होगा, हमें लाइट के लैंप पोस्ट के बीच में दूरी उतनी ही अनुपात में कम करनी होगी। और सामान्यतः ये दूरियां सामान्य सीधी लंबाई पर दो लैंप पोस्ट में जो दूरी होती है उससे आधी या आधी से भी कम रखी जाती है। स्ट्रीट पर लाइटिंग की बेहतरीन डिजाइन के लिए प्रकाश व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रकाश संबंधी गणनाओं को किया जा सकता है, और कई सारे तरीके हैं जिन्हें हम लाइटिंग कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सड़क के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से एक स्क्वायर मीटर में कितनी पावर लैंप सोर्स की चाहिए उस आधार पर गणनाएं की जा सकती हैं। ये सड़क पर ल्यूमन या कुल लाइट फ्लक्स कितनी आवश्यकता रहेगी उस आधार पर भी लाइटिंग कैलकुलेशन की जा सकती है। एक और तरीका हो सकता है कि किसी एक जगह पे लाइट सोर्स लगाए उससे किसी दूसरे पॉइंट पर क्या इल्यूमिनेशन होगा उसे पॉइंट टू पॉइंट मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है। जो लंबी सड़कें होती हैं उनमें रफ और आसानी से सुविधाजनक तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए रफ कैलकुलेशंस का आधार वाट पर स्क्वायर मेथड हो सकता है। इसमें जो मानक परंपराएं हैं, मैन्युफैक्चरर के डाटा हैं, अवेलेबल लाइट सोर्स हैं, उनके आधार पे रोड की पर स्क्वायर मीटर एरिया के लिए कितनी प्रकाश व्यवस्था की शक्ति हमें चाहिएगी उसकी गणना की जा सकती है, और उस गणना के आधार पे हम अप्रोक्सीमेट लाइट सोर्स की पावर कैपेसिटी या कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और जो हमारा डिजायर्ड एवरेज इल्यूमिनेशन लेवल सड़क पर हमें चाहिए उसे हमारे सिस्टम में जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, यूटिलाइजेशन फैक्टर है, उनकी मदद से प्राप्त कर सकते हैं। ल्यूमन और लाइट फ्लक्स मेथड है वो एक बेहतरीन तरीका है किसी सड़क पर इल्यूमिनेशन लेवल की रिक्वायरमेंट के लिए लैंप की पावर कैपेसिटी कैलकुलेशन का, या किसी दी हुई लैंप पावर के लिए सड़क पर इल्यूमिनेशन लेवल क्या आ रहा है उसकी गणना करना, या लैंप की पावर और इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दो लैंप पोस्ट के बीच की दूरियां भी इस मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बारे में एक डिटेल्ड न्यूमेरिकल एग्जांपल हमने हमारी पिछली जो लाइटिंग डिजाइन की दो नंबर वीडियो है उसमें किया है। जब हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन लेवल है वो पूरे वर्किंग प्लेन पे अजूम करके गणनाएं करते हैं। हालांकि लैंप का जो रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी सड़क पे एक समान यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन लेवल वस्तुतः नहीं बनाता है, लेकिन ये एक सरल समझ के साथ ये हमारी पूरी सड़क पे इल्यूमिनेशन का लेवल एक जैसा है, और वो रिक्वायरमेंट एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें टोटल ल्यूमन जो रिक्वायर्ड होंगे उसकी गणना करने के लिए हम जो हमारे प्रत्येक लैंप की जो वोल्टेज है उसके साथ पूरे जो लैंप के नंबर हमारी पूरी स्ट्रीट लेंथ में लगने वाले हैं उनसे जो लैंप की ल्यूमन एफिशिएंसी है पर वाट जो ल्यूमन वो एमिट करता है उससे हम सारे लैंप की नई और साफ सुथरी अवस्था में टोटल ल्यूमन जो उत्पादित होगा उसकी गणना कर सकते हैं, और इस उत्पादित ल्यूमन का कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन के हिसाब से सड़क पर कुछ 30-50% हमारा यूजफुल ल्यूमन हो जाएगा। और एक लैंप अगर पुराना हो जाता है, एजिंग हो जाती है, या उस पे डस्ट डर्ट का डिपोजिशन हो जाता है तो उसकी जो लाइट में कमियां आती हैं, ल्यूमन डिप्रिसिएशन और डर्ट डिप्रिसिएशन, उसे लाइट लॉस फैक्टर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो टोटल ल्यूमन रिक्वायर्ड है उससे नंबर ऑफ लैंप्स निकाल सकते हैं, और उनकी मदद से सड़क की लंबाई में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में दो लैंप पोस्ट के बीच में दूरियां निकाल सकते हैं, या किसी एक लैंप की पावर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सड़क पर इल्यूमिनेशन प्राप्त करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सड़क के किसी एक बिंदुवत स्थिति पर एक या अधिक बिंदु स्रोतों की प्रकाश तीव्रता का प्रभाव हमें प्रदीपन के रूप में प्राप्त करना हो, और इन गणनाओं के लिए हमें प्रकाश स्रोत की उस बिंदु की स्थिति में जो कोणीय विन्यास है उस दिशा में तीव्रता का क्या मान है, और ये हमारी वर्टिकल नदीर से कितने कोणीय विस्थापन पर है, और प्रकाश स्रोत से जो सड़क की
स्थिति है, उसकी दूरी क्या है, और हम व्युत्क्रम वर्ग नियम से किसी एक तीव्रता का डी दूरी पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप में इल्यूमिनेशन का मान निकाल सकते हैं। और ये इल्यूमिनेशन नदीर पे बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड इस जीरो कोणीय विस्थापन स्थिति पे हो सकता है, लेकिन अगर हमारी प्रेक्षण स्थिति प्रकाश स्रोत की वर्टिकल नदीर से थीटा कोण बनाती है तो यहाँ लैम्बर्ट के कोसाइन लॉ के अनुसार इल्यूमिनेशन की गणना में ये कॉस थीटा कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी एक बिंदु पर जो इल्यूमिनेशन है या लुमिनेंस है या प्रदीपन का स्तर है लक्स में, वो प्रकाश स्रोत की कैंडल पावर में इंटेंसिटी, प्रकाश स्रोत से परीक्षण बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और ये जो किरण हमारी प्रकाश स्रोत से प्रेक्षण स्थल पर वर्टिकल नदीर से कोण थीटा बना रही है उसका कॉस एंगल, यहाँ कैलकुलेशन में इल्यूमिनेशन का मान किसी एक बिंदु पे एक स्रोत से दे सकता है, और यहाँ इस बिंदु पे एक से अधिक स्रोतों का अगर प्रकाश आपतित हो रहा है तो कुल इल्यूमिनेशन, कुल प्रदीपन अलग अलग स्रोतों के योगदान को जोड़कर सुपरपोजिशन अध्यारोपण से ज्ञात किया जा सकता है। कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से ये बातें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हमें एक सड़क पे दो लैंप पोस्ट 400 कैंडल पावर या कंडेला इंटेंसिटी के दिए हुए हैं, जो सड़क से 10 मीटर ऊंचाई पर किसी वर्टिकल पोल पे हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट के साथ फिक्स हैं। अगर दोनों लैंप सोर्स की बीच की स्पेसिंग पोल हाइट से 2×20 मीटर है तो हमें एक पोल के ठीक नीचे इस बिंदु ए पे और दोनों लाइट सोर्स के ठीक बीच में इस बिंदु बी पे दोनों स्रोतों के कारण जो प्रदीपन इल्यूमिनेशन का लेवल है वो कैलकुलेट करना है। तो सोर्स की कैंडल पावर 400 है, हाइट सड़क से 10 मीटर है और ए बिंदु तो एक सोर्स से ठीक नीचे है और बी बिंदु दोनों लाइट सोर्स की रेखा के ठीक बीच में यहाँ जो चित्र में दिखाई हुई स्थिति पे है, तो ए और बी दोनों पे इल्यूमिनेशन के लेवल ज्ञात करने हैं। अगर पॉइंट बाय पॉइंट मेथड से ये जो बिंदु ए जो किसी एक लैंप पोस्ट से ठीक नीचे है उस स्थिति पे अगर टोटल इल्यूमिनेशन निकालना है तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार इस बिंदु ए पर S1 सोर्स का इल्यूमिनेशन और S2 सोर्स का इल्यूमिनेशन दोनों गणना करके हम जोड़कर कुल इल्यूमिनेशन को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ S1 सोर्स नदीर से जो कोण थीटा बना रहा है वो जीरो है, तो जीरो कोण का कॉस थीटा कॉस जीरो वन होने पर सोर्स की इंटेंसिटी 400 कंडेला है और ये दूरी वर्टिकल डिस्टेंस पोल की हाइट डी 10 मीटर है, तो हम पाते हैं कि पहले सोर्स S1 का इस ए बिंदु पर प्रदीपन कंट्रीब्यूशन, पहले सोर्स का ए बिंदु पर इल्यूमिनेशन E1A 4 लैक्स आ गया है। इसी तरह से ये जो दूसरा S2 सोर्स है वो भी अपने प्रकाश से इस ए बिंदु पर इल्यूमिनेशन बनाएगा और इसके विकिरणों की इस ए स्थिति पर S2 की इंटेंसिटी जो I2 है वो 400 कैंडल पावर या कंडेला है, और ये दूरी D यहाँ अगर हम पाइथागोरस कैलकुलेशन करें तो ये लंब 10 मीटर और ये आधार 20 मीटर का पाइथागोरस ये कर्ण रूट 500 हो गया है, और ये जो नदीर के साथ S2 लैंप की जो वर्टिकल लाइन है उसके साथ ये जो किरण यहाँ कोण बना रही है वो इस पृष्ठ पे अभिलंब ना गिर के किसी कोणीय स्थिति थीटा के साथ गिर रही है, तो उस थीटा का कॉस थीटा यहाँ लैम्बर्ट कोसाइन लॉ के अनुसार किसी पॉइंट सोर्स की इल्यूमिनेशन कैलकुलेशन बनाएगा और कॉस आधार और कर्ण का अनुपात 10/√500 हो जाएगा। और अगर हम ये गणना सरलीकृत करें तो हम पाते हैं कि इस दूर वाले सोर्स का इस एक लैंप के ठीक नीचे वाली स्थिति पे लक्स कंट्रीब्यूशन काफी कम 0.36 लक्स आया है, और टोटल लक्स कंट्रीब्यूशन इस ए बिंदु पे पहले सोर्स का कंट्रीब्यूशन और दूसरे सोर्स का कंट्रीब्यूशन अगर हम जोड़ दें तो वो 4.36 लक्स आ गया है। तो हम पा रहे हैं कि यहां जो दूसरा सोर्स है वो न केवल ज्यादा दूरी पर है, वो तिरछी प्रकाश विकिरण डालेगा, तो इस पृष्ठ पे उसका जो इल्यूमिनेशन कंट्रीब्यूशन है वो 0.36 पहले लैंप की तुलना में काफी कम आ रहा है, लेकिन टोटल ल्यूमन कैलकुलेशन से इल्यूमिनेशन का लेवल ए बिंदु पर 4.36 लक्स प्राप्त हो गया है। इसी तरह से अगर हमें दोनों लैंप सोर्स के कारण दोनों को जोड़ने वाली रेखा के ठीक बीच में इस बी बिंदु पर कुल इल्यूमिनेशन लक्स लेवल क्या आ रहा है वो गणना करनी हो, तो पॉइंट बाय पॉइंट मेथड से यहाँ बी बिंदु पर कुल इल्यूमिनेशन का लेवल S1 का इल्यूमिनेशन और S2 के इल्यूमिनेशन का योग सुपरपोजिशन से ज्ञात हो जाएगा। तो ये जो पहला सोर्स है उसका इल्यूमिनेशन बी बिंदु पर I1 उसकी इंटेंसिटी 400 कंडेला है और ये दूरी ये भी 10 मीटर ये भी 10 मीटर, तो
ये जो डी टू दूरी है उसका वर्ग 200 हो जाएगा पाइथागोरस कैलकुलेशन से, और ये कोण 45 डिग्री का कोसाइन 45.707 अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम पाते हैं कि ये इल्यूमिनेशन का लेवल एक सोर्स का बी बिंदु पर 1.414 हो गया है। और यहाँ एक सिमेट्री है, जो कंडेला पावर एस वन की है वही एस टू की है, और ये बी बिंदु दोनों सोर्स के साथ सम्मिति रखता है, तो ये दूरी रूट 200 है और ये एंगल भी एक बार फिर 45 है। तो बी पॉइंट पर दो नंबर सोर्स का प्रदीपन ई टू बी भी 1.414 लक्स आ गया है, और कुल इल्यूमिनेशन का लेवल एक और दो दोनों का योग करने पर बी बिंदु पर हम पा रहे हैं 2.83 लक्स है। और हम पाते हैं कि ये जो ल्यूमन कैलकुलेशन है वो काफी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन की व्यवस्था इस सड़क पर बना रही है, क्योंकि स्पेस हाइट रेशो इस कैलकुलेशन में केवल 2 है। व्यवहार में जब हमें सड़क पर इस तरह की कैलकुलेशंस इल्यूमिनेशन की करनी होती है तो सभी बिंदुओं पर क्या इल्यूमिनेशन की स्थितियां हैं, यूनिफॉर्मिटी का इंडेक्स U0 और U1, रोड के आर पार समरूपता और रोड के अनुदिश समरूपता इल्यूमिनेशन की कैसी है, उसे गणना करने के लिए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से स्ट्रीट लाइटिंग डिजाइन में जो पोल से सड़क पर हम लाइट डालते हैं उस लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, पोल की सड़क के सापेक्ष स्थितियां किस तरह की होती हैं, वन साइड बोथ साइड स्टैगर्ड बोथ साइड ओपोजिट, और बीच में जो हमारे स्ट्रीट पोल्स दोनों तरफ लाइटिंग करते हैं उनके बीच में हमने एक अच्छा कंपेरिजन समझा है, और अलग अलग प्रकार की सड़कों के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों करते हैं, किसी रोड जंक्शन या कर्व पर लाइटिंग की व्यवस्था में किस तरह से हम परिवर्तन करते हैं, और एक पॉइंट बाय पॉइंट मेथड से न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से किसी बिंदु पर बिंदु स्रोतों की इल्यूमिनेशन कंट्रीब्यूशन क्या आता है, इसे हमने अच्छी तरह से समझा है। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।